अस्सलाम वालेकुम, इजाज़ फार्मासिस्ट चैनल में खुश आमदीद। ये चैनल सिर्फ़ मेडिसिन के मुतालिक मालूमात के लिए बनाया गया है ताकि आपको तमाम मेडिसिन के मुतालिक मालूमात मिलती रहे। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है उसकी तरफ चलते हैं। एंसिड, एंसिड जो है ज़्यादातर जो है दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो फ्लार बी ब्रूफेन इसका फार्मूला है जो कि 100 mg में होता है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो फाइज़र कंपनी, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट कंपनी है, फाइज़र कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंसिड को। ये एंसिड का इस्तेमाल ज़्यादातर दांत के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सर दर्द, पट्ठों का दर्द और ज़्यादातर जो होता है ऑपरेशन के बाद होने वाले जो दर्द होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंसिड के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, वोमिटिंग, इससे आपको उल्टी वगैरह आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है आपको, उसके अलावा आपको गैस हो सकती है, सीने में आपके जलन हो सकती है। इसके अलावा अगर जो है ऐसे मरीज़ जो इसको इस्तेमाल ना करें, जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल ही, इसका इस्तेमाल जिनको नहीं करना चाहिए, तो किडनी के मरीज़ जो होते हैं वो उसको इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। उसके अलावा हार्ट के मरीज़, लिवर के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, मैदे के अल्सर के मरीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हैवी मेडिसिन होती है, ये मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो इसके साथ अगर आप कोई ओमेप्राजोल या फ्लैजल वगैरह ले सक ले लें तो ये आपके मैदे में अल्सर वगैरह, मैदे में ज़ख़म वगैरह नहीं करेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं सिंगल, तो यह आपके पेट में भी दर्द कर सकती है, इससे आपको वोमिटिंग वगैरह भी आ सकती है। ये डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती है जो कि पानी में हल होने वाली होती है। अगर आपके दांत में दर्द है जो बिल्कुल नहीं जा रहा तो आपने एक गोली को 2 घूंट पानी में जो है आपने डाल देना है, एक गोली को, वो बिल्कुल हल हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको पी लेना है, जिससे आपका दांत, दांत का जो दर्द है वो 2 मिनट में गायब हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, अगर इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। इस एंसर टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आप हरगिज़ मत करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इजाज़ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल के लगे आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।